हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पांच क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन है टू हंड्रेड सेवनटीन एक्स प्लस वन थर्टी वन वाईजल टू नाइन हंड्रेड थर्टीन वन हंड्रेड थर्टी वन एक्स प्लस टू हंड्रेड सेवनटीन वाई इज टू एट ट्वेंटी सेवन देन एक्स प्लस वाई इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सबको पता है लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं याद है लेकिन यहां पे x प्लस वाई पूछा गया है x और y नहीं पूछा गया है, x प्लस वाई पूछा गया है ये कैसे निकलेगा देखिए तो सर क्या पूछ रहे हैं पहले x निकालेंगे फिर y निकालेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे नहीं ये नहीं करना है ये बहुत लंबा तरीका है यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो <coughs> देखो 217x है यहाँ पे यहाँ पे 217y है दिख रहा है दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे है सब कुछ प्लस पे है नेगेटिव में कुछ नहीं है यहाँ पे भी प्लस है यहाँ भी प्लस है और दूसरा पार्ट देखो 131y है यहाँ पे और 131x है यहाँ पे x तो को x से यदि ऐड कर दिया जाए ये देखो टू सेवनटीन एक्स प्लस वन थर्टी वन एक्स क्या आएगा इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या आएगा एट फोर थ्री थ्री फोर्टी एट आएगा ठीक उसी तरह से 131y और 217y इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए यानी कि दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें 348x फोर्टी एट एक्स प्लस वाई मिल जाएगा और ये किसके बराबर होगा 913 थर्टीन प्लस एट ये हो जाएगा थर्टी 40 फोर्टी एंड 1740 ठीक है सीधा x plus y मिल गया हमें कैंसिल करो आ रहा है x plus y इक्वल तू five आता है ऑप्शन ए देखो ये में five है यहाँ पे ऑप्शन ए x plus y is equal to five कैसे आया न x निकला ना y निकला सीधा x plus y निकल गया यारी x और y को अलग-अलग निकालना रहता तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती ना समय भी उतना ही ज़्यादा लगता और कैलकुलेशन मुश्किल होने वाली थी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी मतलब प्रोसेस तो लंबा होता ही कैलकुलेशन और भी लंबा होता गलती होने के चांसेस ज्यादा स्मार्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव पे आया The LCM of ऑफ टू प्राइम p पी एंड क्यू p पी इज ग्रेटर क्यू इज 221. ट्वेंटी वन फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री पी क्या हो गया दो नंबर का एल्सियम दिया हुआ है सिर्फ और थ्री पी माइनस क्यू निकालने दिया गया कैसे क्या होगा ये? क्या कर सकते हैं एच की कोई बात ही नहीं है नंबर पी क्यू निकालने का कोई प्रोसेस ही नहीं पता है सिर्फ एल्सियम दिया है वेट, 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 नंबर निकालने का कोई प्रोसेस है क्या यहां द दलसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर टू प्राइम नंबर यह इंपॉर्टेंट है पी एंड क्यू दो प्राइम नंबर है दोनों प्राइम नंबर्स हैं यानी कि एलसीएम क्या होगा एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू क्या होने वाला है वन, पी और क्यू प्राइम है तो एचसीएफ वन होने वाला है तो एलसीएम क्या होने वाला है पी कॉमा क्यू का एलसीएम क्या होगा पी क्यू पी क्यू 221 हमें दिया है मतलब पी क्यू 221 221 को फैक्टराइज किया जाए फैक्टराइज किया जाए थर्टीन इंटू सेवनटीन टू ट्वेंटी वन होता है फैक्ट्राइज करना सबको पता है आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है थर्टीन इंटू सेवनटीन टू ट्वेंटी वन होता है इसके अलावा कोई फैक्टर्स निकल नहीं सकते टू ट्वेंटी वन के यानी कि इसमें से थर्टीन और सेवनटीन में से एक पी है एक क्यू है और पी इज ग्रेटर देन क्यू यानी कि सेवनटीन इज इक्वल टू पी थर्टीन इज इक्वल टू क्यू मिल गया P और Q दोनों मिल गया तो थर्टीन थ्री इंटू सेवेंटीन माइनस थर्टीन आंसर थर्टी एट आएगा फिफ्टी वन माइनस थर्टीन इज इक्वल टू थर्टी एट ठीक है क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स पे आ जाए अब चलो स्क्रीन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं

चार किंग भी है चार क्वीन भी है यहां तक समझ में आ रहा है चार किंग है चार क्वीन है नॉट किंग नॉट क्वीन कितने कार्ड्स हो जाएंगे 52 टू माइनस एट इज इक्वल टू फोर्टी समझ में आ रहा है यहां तक 44 कार्ड्स है जो नीडर ए किंग नॉट ए क्वीन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा यहां पे फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 44 हैं है टोटल आउटकम्स 52 है की इलेवन बाय थर्टीन ऑप्शन ए समझ में आई बात मुश्किल था क्या अब क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन को देखो ये थोड़ा सा और ट्रिकी है टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल कम अप एट लीस्ट वंस इज कैसे निकाल सकते हैं इसको फाइव विल कम अप एट यानि कि या तो एक फाइव आए या दोनों फाइव आए दोनों ऑप्शन होंगे एक फाइव आने का ऑप्शन क्या है फाइव कॉमा वन फाइव कॉमा टू फाइव कॉमा थ्री फाइव कॉमा फोर फाइव कॉमा फाइव तो होगा नहीं फाइव कॉमा सिक्स ये पांच ऑप्शन है और क्या वन कॉमा फाइव

और यह इलेवन फेवरेबल आउटकम्स इलेवन है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थर्टी सिक्स इलेवन बाय थर्टी सिक्स सिंपल था प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है सिंपल ही होंगे चलो अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पे आते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन का है ट्रिग्नोमेट्री किसको किसको आसान नहीं लगती है आप भी देखो आसानी से बन जाएगा यह क्वेश्चन वन प्लस साइन स्क्वायर एल्फाइज टू थ्री साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा द वैल्यूज ऑफ कॉट एल्फा आर कॉट एल्फा की वैल्यूज हमें चाहिए कैसे स्टार्ट कर रहा है कैसे स्टार्ट कर रहा है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है यह तो याद है इस वन को यहां से रिप्लेस करो तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा मतलब वन हो गया प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू थ्री साइन एल्फा कॉस एल्फा ठीक है यानी कि टू साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू थ्री साइन एल्फा कॉस एल्फा सर क्या क्या कर रहे हैं सब क्या क्या नहीं कर रहे हैं देखो अभी यहां तक आ गए हैं बहुत सिंपल अभी तक कुछ नहीं किया है हमने हमें चाहिए यह कॉट एल्फा कॉट एल्फा क्या होता है कॉस एल्फा बाय साइन एल्फा होता है तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर एल्फा से पूरे को अगर डिवाइड कर दिया जाए पूरे को साइन स्क्वायर एल्फा से डिवाइड कर दिया जाए साइन स्क्वायर एल्फा यहां भी साइन स्क्वायर एल्फा और यहां भी साइन स्क्वायर एल्फाइ क्या होगा यह साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एल्फाइज इक्वल टू थ्री यह साइन कैंसिल होगा यह पावर कैंसिल हो जाएगा और फिर यहां पे क्या आ गया अल्फा, यानी कि माइनस थ्री अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन एक है यह देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स पे नहीं आई कॉट अल्फा में कॉट अल्फा में क्वाड्रेटिक आ गया है तो इसको सॉल्व करना है हमें और कुछ नहीं करना है लेट कॉट एल्फा इज इक्वल टू एक्स तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इसको बहुत ही आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग एक्स माइनस टू इन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यूज दो आएंगे टू कॉमा वन यानी कि एक्स क्या था कॉट एल्फा कॉट एल्फा की दो वैल्यूज हैं टू कॉमा वन यही हमारा आंसर है कॉट एल्फा की दो वैल्यूज है वन कॉमा टू ऑप्शन सी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा दोनों का ही यूज होगा एक को छोड़ के नहीं बन सकता है दूसरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए एल्जेब्रा पे भी पूरा कमांड चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री पे तो चाहिए ही चाहिए ओके और कुछ क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे